एक फिल्मी डायलॉग है, मेरी किश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। कुछ ऐसा ही हाल हो गया है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का। भगवंत मान वो नेता हैं जो नई नवेली पार्टी से चुनाव लड़ने के बाद भी जीत का रिकॉर्ड बना चुके हैं। 2014 के चुनाव में जब मोदी लहर ने कांग्रेसी और दूसरे विपक्षी दिग्गजों को अपनी सीट से पैदल कर दिया, भगवंत मान ने संगरूर से जीत दर्ज की। तब आम आदमी पार्टी की ना दिल्ली में सरकार थी और ना ही पार्टी पुरानी थी। 2019 में मोदी लहर का उफान और बढ़ा, लेकिन संगरूर में भगवंत मान का गुरूर बरकरार रहा। तब दिल्ली में आम आदमी पार्टी सत्ता में आ चुकी थी। 2022 में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी सरकार बना ली और सीएम बन गए पार्टी के इकलौते लोकसभा सांसद भगवंत मान। उपचुनाव हुए तो ये लोकसभा में आम आदमी पार्टी की इकलौती सीट भी हाथ से निकल गई। हालात ऐसी हो गई कि राजनीति के एक ही प्लेटफॉर्म पर आम आदमी पार्टी और आरजेडी एक साथ दिख रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बात तो पंजाब चुनाव की हो रही है, तो बिहार के राष्ट्रीय जनता दल का जिक्र कैसे आ रहा है। अपनी सोच के घोड़ों को थाम लीजिए, क्योंकि तेजस्वी और राजद का पंजाब की राजनीति से अभी तक कोई जुड़ाव नहीं हुआ है, बल्कि एक उपचुनाव की हार ने आम आदमी पार्टी को राजद वाली स्थिति में ही पहुंचा दिया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों के पास लोकसभा में पहले सांसद थे और अब नहीं है। राजद 2019 के लोकसभा चुनाव में कोई सीट नहीं जीत सके और आम आदमी पार्टी ने 2019 में जीती एकमात्र सीट 2022 के उपचुनाव में गंवा दी। वैसे कोई कुछ भी कहे, कागजी सियासत पर अभी एक बात तो पक्की है कि आम आदमी पार्टी का ओहदा कांग्रेस से बड़ा अभी भी है। दो राज्यों दिल्ली और पंजाब में पूर्ण बहुमत की सरकार है। गोवा में भी इनके विधायक हैं। राज्यसभा में 8 सांसद हैं, जबकि राजद के पास राज्यसभा में 4 ही सांसद हैं। बिहार के 75 विधायकों के अलावा झारखंड में सिर्फ 1 विधायक है। तो वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करके वीडियो को शेयर जरूर करें।